एवरीवन, दिस इज कार्तिक अस्वाल। सो गाइज, आज के लिए आपके लिए कॉलेज भी लेके आऊँ, KIT कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यार बढ़िया कॉलेज है, तगड़ा कॉलेज, इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। कॉलेज से प्लेसमेंट से लेके एडमिशन कैसे ले सकते हो और क्या कॉलेज की रैंकिंग है, सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी कोई कॉलेज भी चाहिए तो आपको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यार वाह, क्या क्या खूबसूरत कैंपस है यार इसका, खूबसूरत कैंपस है यार इसके बारे में। कॉलेज के बारे में देख लेते हैं यार, कि कॉलेज का कब इस्टेब्लिशमेंट वगैरह हुआ था। कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2004 में, कानपुर में स्थित है, तगड़ा कानपुर, कानपुर सिटी है भाई यूपी का। तो जिसको भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2004 में इसका क्या हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बढ़िया कॉलेज है, AK2 से अफिलिएटेड एक कॉलेज है यार, ठीक है, AICTE अप्रूव्ड है, तगड़ा कॉलेज है। 2004 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जैसे लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वैसे ही अभी है कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन बढ़िया कॉलेज है। अफिलिएशन है AKTU, BTE एंड CSJMU, ठीक है। CSJMU में वीडियो बना के रखा हूँ, बहुत सारे कॉलेज भी लेके आया हूँ, एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, ठीक है। कैंपस इसका 25 एकड़ का है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, BTech हैं, BCA, BPharma, BFAD, MBA, MTech, MPharma है, पॉलिटेक्निक, डिफार्मा, ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। AKTU से अफिलिएटेड एक कॉलेज है, तगड़ा कॉलेज है भाई, इस कॉलेज के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो KIT कानपुर स्टेट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एरिया में है भाई, रामा देवी चौराहे पे है, कानपुर, इलाहाबाद नेशनल हाईवे, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो AICTE अप्रूव्ड है यार, पूरा आप लोग कॉलेज के बारे में देख लें। कॉलेज की रैंकिंग देख लेते हैं, कॉलेज की रैंकिंग क्या है भाई, भाई फर्स्ट रैंकिंग है कानपुर में। कानपुर में जो भी जितने भी कॉलेज हैं, CSJMU वगैरह, CSJMU से अफिलेटेड है ये कॉलेज, उसमें फर्स्ट रैंकिंग है इस कॉलेज का यार, ठीक है। 28th रैंकिंग है बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नॉर्थ इंडिया का, 40th बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फर्स्ट सेकंड, इसका टॉप 10 में कॉलेज आता है भाई, तगड़ा कॉलेज है। फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, कौन कौन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कॉलेज, ठीक है। तो AC, AB लैब, कैंटीन, वाईफाई, ATM, कंप्यूटर लैब, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट, AC कैंपस, MB थिएटर, स्मार्ट क्लासरूम, कैफेटेरिया, लैब, प्रोजेक्टर्स एंड डिजिटल लाइब्रेरी। तो सही, बहुत सारे यहाँ पे क्या है फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कॉलेज, तगड़ा कॉलेज है। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करती है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। कोर्सेज ऑफर की बात करते हैं, तो BSc है, BPharma है, BTech है, BVocal है, ठीक है, BBA, BCA, BFA, BFAD, DPharma, MPharma, MTech, MBA, MCA, Polytechnic, दीज आर द कोर्सेज प्रोवाइडेड इन दिस यूनिवर्सिटी, इन दिस कॉलेज। तो कौन कौन से कोर्सेज आपने देख ही लिया, लेकिन फीस क्या क्या लगता है उस पर चलो बात कर लेते हैं। कोर्सेज के साथ साथ फीस क्या लगता है उस पर भी बात करेंगे, हमारे गरीब बच्चों के लिए क्या है स्कॉलरशिप्स उस पर भी बात करने वाले हैं, प्लेसमेंट क्या है सब कुछ देखने वाले हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करता है उस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो BPharma 4 साल का कोर्स होता है, 1,10,000 रुपये पर ईयर फीस है इसका। BPharma लेटरल 65,000 पर ईयर फीस है, BSc वाले 25,000 और 50,000 बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का है, ठीक है। अभी फीस देख लो, क्योंकि बाद में तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो भैया कि ये बताए, व्हाट्सअप पूछते हो, लेकिन वीडियो पूरा देखते नहीं हो, तो वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। BTech में कौन कौन से ब्रांचेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सबका 70,000 फीस है, कंप्यूटर साइंस का 1,10,000 फीस होता है, ठीक है। BTech लेटरल में ये सब सारे ब्रांचेज 70,000 रुपये फीस है यार। BVocal का क्या है, 25,000 रुपये फीस है सबका, देख सकते हो। BBA BCA का 45,000 फीस है, 3 साल का कोर्स होता है। BFA BFAD 65,000 75,000 और DPharma का, MPharma का 90,000 फीस होता है यार। ऐसे यहाँ पे MTech का देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, 1,80,000 रिस्पेक्टिवली ये फीस होता है यार, ठीक है। हर ब्रांचेज का वैरी करता है, CSC का क्या होता है थोड़ा महंगा होता है, MBA का क्या है 80,000 फीस है, MCA का 75,000 फीस है। तो गाइस तगड़ा है यहाँ पे सब कुछ, पॉलिटेक्निक भी है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, 40,000 रुपये फीस होता है, पॉलिटेक्निक का भी 40,000 फीस है, जो ब्रांचेज सारे अवेलेबल होते हैं यार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कि कौन कौन क्या मतलब कितना परसेंटेज आपका 12th में होना चाहिए कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, चलो उस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो यार, BTech में आपको क्या होता है, JEE मेन, UP2 आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है एग्जाम, उसके हिसाब से एडमिशन होता है आपका। MBA में बात करेंगे तो CAT, UPSEE, MBA आपको क्वालिफाई करना पड़ता है एग्जाम। BTech लेटरल की बात करेंगे, JEE मेंस, UPSEE, BTech में आपको एडमिशन लेना पड़ता है यार, ठीक है। BPharma में UPTU, BPharma एक एडमिशन होता है, UPSEE का मैं लगातार आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, लगातार उस पर वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट करिए यार। मैं देख रहा हूँ यार कि जो तुम लोग का अनसब्सक्राइबर, जो तुम लोग का क्या कर रहे हो, कि जो तुम लोग देखो यार, AC बंद हो गया है आपके लिए, मैं AC बंद करके बैठा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, देखिए सबसे बड़ी बात, चले गर्मी हमको हो लेकिन आप लोगों को गर्मी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग पढ़ाई करो। देखो यार बात है कि मैं क्या बात कर रहा था, कि जो आपका UP2 BPharma का बात कर रहा था, देखो यार UP2 का मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, और देखो सब्सक्राइबर आप लोग देखो यार, वीडियो तुम लोग देख रहे हो 100% बच्चे मान लो देख रहे हैं, लेकिन 15% बच्चे क्या हो रहे हैं उसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को यार, तो वो
हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अब एम टेक में बात करते हैं तो गेट क्वालिफाई करना चाहिए आपको एग्जाम, गेट क्वालिफाई करोगे तभी आप एम टेक में एडमिशन ले सकते हो। एम सी ए में यू पी एस डबल ई क्वालिफाई करना होगा, एम सी ए लेटरल में यू पी एस डबल ई एम सी ए आपको एग्जाम क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए रिंग टोन बज रहा है कैसे, तो बच्चे परेशान है भाई एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब बीटेक में देख सकते हो ट्वेल्थ में आपका क्या होना चाहिए, 45% एटलीस्ट होना चाहिए, 40% रिजर्व कैटेगरी एस सी एस टी के लिए होता है। बीटेक लेटरल में 40% मार्क्स है, बी फार्मा में भी 40% मार्क्स पे आपका हो जाता है, ठीक है। अभी देख सकते हो डिफार्मा में 10th स्टेप पास होना चाहिए, तो यार एलिजिबिलिटी कैटेगरी 40-50% के आसपास होता है, उसमें आप लोग आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो। हर कोर्स में बात करेंगे, एम टेक में बी टेक आप क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सारे कोर्सेज होते हैं, लैदे ऑपरेशन वेल्डिंग एंड क्वालिटी टेक्नीशियन, ये सब कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज देख सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं कि तो एप्लीकेशन प्रोसेस में यार कि के आई टी कानपुर वेबसाइट पे जाके वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं भैया, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है ये तो बता दिए, 6-7 लाख रुपये पैकेज आता है भाई, तगड़ा प्लेसमेंट है, और एवरेज है 3-4 लाख रुपये के बीच में आपका प्लेसमेंट होता है। ज़्यादा ज़्यादा कमजोर मान लो जो बच्चे कमजोर होते हैं उनका 1-2 लाख के बीच में प्लेसमेंट होता है, तगड़ा प्लेसमेंट है, ठीक है। अमेजन, कैप गेमिनी, सिप्ला, SCL, IBM, इन्फोसिस, JVM सभी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है, मोबाइल से लेकर दवाओं तक सारी कंपनी यहाँ पे विजिट करती हैं। हॉस्टल बात कर लेते हैं, हॉस्टल फीस की, हॉस्टल फीस यार 35,000 रुपये पर एनम लगता है यार, 4 बॉयज़ हॉस्टल है, 1 गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वाईफाई सिस्टम है, तुम लोग फ्री में मोबाइल चला सकते हो, सब कुछ यहाँ पे तगड़ा है। स्कॉलरशिप बात कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ा कम में निपटाएंगे क्योंकि यार टाइम हम लोग नहीं लेंगे आपके वीडियो में। देखिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं उनके लिए अलग से एडमिशन अलग से आपको मिलता है, जैसे देख सकते हो YC सेट मेमोरियल ट्रस्ट स्कॉलरशिप 25,000 रुपये आपको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पर मिलता है। और एक मैनेजमेंट स्कॉलरशिप होता है जो अब 50,000 तक मिलता है बच्चों को। लाइब्रेरी बात करें, लाइब्रेरी तगड़ा है भाई, 25,000 से ऊपर बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है। और डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क का एक मेंबर है लाइब्रेरी, ठीक है। तो तगड़ा लाइब्रेरी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यार, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज। सिनेरियो देख लेते हैं एक बार, बाय करने से पहले एक सिनेरियो देख लो यार, KIT का थोड़ा सा चेहरा देख लो कि कैसा है KIT, क्योंकि आप इसमें एडमिशन लेने वाले हो तो तगड़ा कॉलेज है भाई, कैंपस वाह वाह क्या कैंपस है, ठीक है। तो सब कुछ हमको लगा होगा, आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दिया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, ठीक है। तो मिलने से पहले एक बार क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। क्विक फैक्ट्स क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, अफिलिएटेड है, ठीक है, UICT अप्रूव्ड है, कोएड है, और 25 एकड़ कैंपस है, 2004 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऐसा आपने सब सुना ही होगा। तो क्विक फैक्ट्स थी यार, ठीक है। अब देख लो यार एक बार कॉलेज है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय गाइस।